Now, our next topic is the ether hypothesis. Very interesting topic. On the behalf of this topic, we can explain the very important experiment, Michelson-Morley experiment. What is the ether hypothesis? Everybody know that a material medium is a necessity for the propagation of wave. तो किसी भी वेव को हम जब प्रोपगेट करते हैं तो उसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है. सो इट वॉज कंसिडर दैट द लाइट प्रोपगेट थ्रू ईथर एज द साउंड वेव प्रोपगेट थ्रू एयर. तो ये माना गया कि जिस ढंग से लाइट प्रोपगेट होती है, दैट लाइट प्रोपगेट ईथर में हो सकती है, जैसे कि साउंड को, जैसे आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें एयर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही लाइट को प्रोपेगेट कराने के लिए एक ऐसा माध्यम लिया गया, एक ऐसे मीडियम लिया गया जिसको हमने कहा ईथर. और ईथर केवल एक हाइपोथेटिकल है, एक हमारी सोच है कि पूरा हमारा जो यूनिवर्स है, जो चारों तरफ का हमारा वातावरण है, ये ईथर से है, ईथर से फिल्ड है. So on the behalf of this hypothetical hypothesis ether, an interesting question ये होता है कि क्या possible है, is it possible to weather the relative motion between the earth and ether can be detected. क्या possible है कि हम दोनों के बीच relative motion, earth के बीच में और जो हम एक hypothetical medium ले रहे हैं ether, इसको हम detect कर पाते हैं कि नहीं. If a such a motion can detected, यदि हम detect कर सकते हैं तो we can choose a frame of reference. तो हम एक frame of reference को हम choose कर सकते हैं, that frame in a stationary ether. तो इसी के base पे Michelson and Morley ने एक set तैयार किया, and then set out a measure to relative velocity of earth with respect to the ether. The principle of this experiment lies is nothing. The shift in fringes in Michelson interferometer due to the difference in time taken by the light to travel along and opposite to the direction of motion of the earth. The time taken by beam of light to travel along the direction of motion of the earth is greater than the travel distance opposite to the direction of earth. तो इसमें Michelson and Morley ने ये प्रूव किया है कि जो लाइट जो ट्रेवल करेगी जिस डायरेक्शन पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ट्रेवल कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में टाइम ट्रेवल करने में जो लगा टाइम है, जब लाइट वापस आएगी उससे कहीं ज्यादा टाइम लेगा उस डायरेक्शन में ट्रेवल करने में. बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स एफर्ट्स द ईथर कुड नॉट बी डिटेक्टेड. ईथर को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए. तो इसी एक हाइपोथेसिस के बिहाब पे जिस एक्सपेरिमेंट को हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड माइकलसन एंड मोले एक्सपेरिमेंट. सो हियर वी डिस्कस द माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ वी कैन एक्सप्लेन द माइकलसन मोले एक्सपेरिमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ईथर हाइपोथेसिस. The main objective of conducting the Michelson-Morley experiment was to confirm the existence of stationary frame of reference. तो इस एक्सपेरिमेंट को करने का सबसे बड़ा जो एम था वो ये प्रूव करना था, ये कंफर्म करना था कि जो ईथर फ्रेम है, दैट एग्जिस्ट एज ए स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह एग्जिस्ट करता है. So, in order to detect the change in the velocity of light due to the relative motion between earth and hypothetical medium ether, Michelson-Morley perform an experiment which is called Michelson-Morley experiment. So, Michelson और Morley ने ether, जो कि हमने hypothetical medium माना है, और earth के बीच में relative motion कराया, और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि अर्थ और
ईथर मीडियम के बीच रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल हुआ या नहीं, हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो हियर इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, माइकलसन मोरले सेटअप। तो हियर इज द एस इज द सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ये, बींग ए पैरेलल बाई ए कॉलोमेट्रिक लेंस एल। तो यहां से निकलने वाली लाइट फॉल्स ऑन द सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जी। जो ग्लास प्लेट जी है वो सेमी सिल्वर्ड है, जो कि 45 डिग्री पर रखी गई है। एंड इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ये दो भागों में डिवाइड होती है। जो ये लाइट पैरेलल लाइट आ रही है, जो जी पे 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, एक लाइट द वन लाइट वन बीइंग रिफ्लेक्टेड टू द सेमी सिल्वर सरफेस जी गिविंग टू द, जो पहली रेस की तरफ जाएगी दैट इज नंबर वन देते हैं, दिस इज नंबर वन गिविंग राइज टू रेज वन विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स द मिरर एम वन, और मिरर M1 की तरफ जाएगी। तो मिरर M1 ये है आपका, दिस वन इज एंड दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर एंड दिस इज मिरर M2। दोनों ही मिरर एक दूसरे से समान दूरी पर है। जो एंड द अदर बींग ट्रांसमिटेड रेज नंबर टू, दिस इज नंबर टू रेज है विच ट्रेवल टूवर्ड्स द मिरर M2। द टू रेज फॉल्स नॉर्मली ऑन मिरर M1 एंड M2। दोनों ही जो रेज निकल के आ रही लेंस से वो सीधे M1 और M2 पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है। जैसे इंसिडेंट होंगी तो एंड देन बैक रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग देयर ओरिजिनल पाथ। तो दोनों ही रेज रिफ्लेक्ट होके मिरर ए से और मिरर बी से रिफ्लेक्ट होके वापस जी पे आके मिलती हैं। ओके एंड देन मीट एट द सेमी सिल्वर सर्फ ग्लास ऑफ प्लेट जी एंड एंटर द टेलीस्कोप। और वहां पे एक टेलीस्कोप लगा है। इन टेलीस्कोप इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन, द ऑप्टिकल डिस्टेंस ऑफ मिरर M1 एंड M2 फ्रॉम जी आर मेड इक्वल विद द हेल्प ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट नॉट सोन। तो यहां पे कंपनसेटिंग प्लेट नहीं दिखाया जाता है प्रैक्टिकल में, थ्री डायमेंशन में होता है। तो दिस इज द मेथड कि एक सोर्स एस से आने वाली लाइट सबसे पहले सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट जी पर इंसिडेंट होती है, वहां से इंसिडेंट होने वाली लाइट दो भागों में डिवाइड होती है, एक नंबर वन रेज जो मिरर M1 की तरफ जाएगी और दूसरी मिरर जो ट्रांसमिटेड रेज है वो M2 मिरर की तरफ जाएगी। दोनों ही लाइट मिरर M1 और M2 से रिफ्लेक्ट होंगी और वापस जी पे आके रिकम्बाइन होंगी और वहां पे टेलीस्कोप के द्वारा हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जाता है। बट द फर्स्ट कंडीशन, व्हाट द कंडीशन, इफ द एपरेटस इज एट द रेस्ट इन ईथर, यदि ये एपरेटस ईथर में रेस्ट पोजीशन पे है, द टू रिफ्लेक्टेड रेज वुड टेक इक्वल टाइम टू रिटर्न द ग्लास प्लेट जी। यदि ये दोनों स्थिर हैं तो जो लाइट M1 मिरर तक गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस जी तक आई और जो ट्रांसमिटेड लाइट दो मिरर M2 की तरफ गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस जी प्लेट तक आई, तो दोनों को ही इक्वल टाइम लगेगा वापस आने पर। बट एक्चुअली द होल एपरेटस इज मूविंग अलोंग विद द ईथर, ईथर के साथ वी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है एक्चुअल में। तो लेट अस सपोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ इज इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल बीम, जिधर से बीम जा रही है उसी डायरेक्शन पे वो मोशन कर रहा है एपरेटस। देयरफॉर द होल एपरेटस इज मूविंग विथ अर्थ थ्रू ईथर विथ ए वेलोसिटी वी, वेलोसिटी घूम रहा है। ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ द ऑप्टिकल पाथ ट्रांसर्व बाय बोथ द रेज आर नॉट सेम। अब यदि वो वी वेलोसिटी से
मूव कर रहा है ये एपरेटस, तो दोनों के द्वारा जो रेज जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जी पे आने वो इक्वल टाइम नहीं लगेंगे. द रीजन इज दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर एम वन एंड एम टू डू नॉट रेज आर द सेम, डू नॉट टेक प्लेस एट ए एंड बी, वो ए और बी पे नहीं आएंगे, बल्कि बट दे टेक द प्लेस ए डेज एंड बी डेज, बिकॉज द एपरेटस इज मूविंग विथ वी वेलोसिटी, द एपरेटस इज मूविंग वी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. सो दस द टाइम टेकन बाय द टू रेज नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकेंड टू रेज ट्रेवल द मिरर एंड बैक टू द जी विल बी डिफरेंट इन दिस केस वेन द एपरेटस इज मूविंग. जब एपरेटस मूव वेलोसिटी से घूमेगा तो दोनों रेज जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जी प्लेट पे आने वाली थी वो सेम टाइम पे नहीं आ पाएंगी. Then what happened? So we will try to explain with the help of derivation. के द्वारा हम कोशिश करेंगे निकालेंगे कि दोनों rays जो perpendicular direction पे जा रही है और जो horizontal पे जा रही है उनमें क्या timing में अंतर है. तो let the two mirror M1, this is M1 and this is M2, are at an equal distance L. दोनों के distance L है, दोनों L distance पे है from the glass plate G से. And suppose C and V be the velocity of light and apparatus. C and B जो है, C is the velocity of light and V is the velocity of apparatus. तो जो लाइट द है द रिफ्लेक्टेड रेज वन फ्रॉम द ग्लास प्लेट जी स्ट्राइक द मिरर एम वन एट ए डेस. तो जो रेज फर्स्ट है वो स्ट्राइक करेगा मिरर एम वन से, एम वन के एक जगह स्ट्राइक ना करके ए डेस पे जाके स्ट्राइक करेगा यहां जब वी वेलोसिटी से कर रहा है एंड नॉट एट ए ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ. अर्थ के मोशन की वजह से अर्थ मोशन कर रहा है. द टोटल पाथ ऑफ द रेज फ्रॉम जी, जी से हम चल रहे हैं यहां से जी टू ए डेस यहां तक. तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, द टोटल पाथ जी टू ए एंड वापिस आएगा बैक टू द बैक विल बी द कैसे होगा जी ए डेस जी डेस, ये वाला जी ए डेस जी डेस. तो यानी कि ट्राइंगल हम लेंगे जी, हम हाफ ट्राइंगल लेके चल रहे हैं जी ए डेस डी के लिए, हमको निकालना है जी ए डेस डी. जी दिखाई दे रहा है आपको, जी ये है, दिस इज ए डेस एंड दिस इज डी डी पॉइंट. तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा जी ए डेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए डेस का होल स्क्वायर प्लस ए डेस डी का होल स्क्वायर. ओके, बिकॉज हम जानते हैं कि जी डी बराबर है ए ए डेस, ये हमको पता है जी डी. हियर इज द जी डी, जी डी दिस वन, जी एंड डी दोनों बराबर है ऊपर कहां से ए ए और ए डेस से दोनों बराबर है. तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सपोज द टाइम बी द टाइम टेकन बाय द रे टू मूव फ्रॉम जी टू ए डेस, जी से ए डेस तक गया तो कितना टाइम लेगा हमको निकालना है. तो हमको पता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है सी, तो टी टाइम में वो जी से ए तक जाने में कितना टाइम लेगा. तो टी टाइम में सी वेलोसिटी से यदि टी टाइम लिया तो सी टी टाइम कवर करेगा, तो जी ए बराबर कितना जाएगा सी टी, टी टाइम में सी वेलोसिटी से टी टाइम में कवर गया डिस्टेंस
तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो सी टी हो गया इज इक्वल टू ए ए डैश। ए ए डैश क्या है, हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल में क्या है, ए से लेके ए डैश तक आने में कितनी दूरी तय की गई, तो वो दूरी कितनी होगी टी टाइम में वी वेलोसिटी से तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी वी टी, ए डैश प्लस ए डैश डे, द डिस्टेंस बिटवीन ए और डैश के कितने भी थे, लेंथ थी एल, तो ये एल स्क्वायर हो गया। ओके सो वी कैन कैलकुलेट सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो ट्रांसफर द इक्वेशन सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, सो कॉमन जो निकला उसे निकाल देंगे, टी स्क्वायर इज कॉमन, सो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ओके सो टी की वैल्यू यहां से निकाल, यदि इफ टी वन जो टाइम है, टी वन बी द टाइम टेकन बाय द रे टू ट्रेवल द होल पाथ जी ए डैश जी डैश, पूरे होल पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने पहले हाफ निकाला था, तो अब टोटल निकालेंगे जी, हमने पहले जी ए डैश डी के लिए निकाला था, अब जी ए डैश जी डैश के लिए निकालेंगे, जब वी वेलोसिटी से जी जो प्लेट थी वो कहां पहुंच गई जी डैश पे पहुंच गई, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, डबल टाइम लगेगा उससे, हाफ के लिए निकाला टी वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू टी, तो टी की वैल्यू हमने निकाला था टी इज इक्वल टू कितना हुआ था, तो टू एल अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके तो यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालेंगे कितना हो जाएगा टू एल, सी कॉमन निकल गया तो कितना हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगी टू एल अपॉन सी वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, ये ऊपर आ गया। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम इसे प्रूव करेंगे, तो हायर ऑर्डर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी टू एल अपॉन सी, ओके देन वन माइनस से माइनस कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइंग प्लस, तो प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर, सो टी वन इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी टी वन इज इक्वल टू टू एल अपॉन सी वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। Now, consider the case of transmitted rays 2, जो horizontal direction में rays जा रही second rays, उसके लिए हम consider करें which is moving longitudinally towards mirror M2, M2 की तरफ जाने वाली rays के लिए अब हमको निकालना है time, अभी हमने perpendicular direction में जाने वाली light के लिए हमने time निकाली इतना, so it has a velocity c minus v related to the apparatus when it is moving from G to V, जब G से लेके B के तरफ डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव मोशन क्या कितना हो जाएगा C माइनस V, और वापस जब लौट के आएगा तो कितना हो जाएगा C प्लस V। ओके दोनों के बीच लेंथ कितना है, इफ टाइम T2 विद द टोटल टाइम टेकन बाय द लॉन्गिट्यूडनल रेज टू रीच D डैश, बिकॉज हियर इफ T2 be the total time taken by ray, तो हमको पता है GB जो है GB is equal to होता है G dash B dash is equal to L, दोनों बराबर ही हैं, तो जाने में कितना टाइम लगा और आने में, तो दोनों टोटल टाइम हम निकाल लेंगे, तो L is the distance, तो जाने में कितना वेलोसिटी लगी c माइनस वी था, प्लस आने में कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी c प्लस वी, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा t2 इज इक्वल टू एल सी प्लस वी प्लस एल सी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सो द इक्वेशन विल बी 2lc अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर।
तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2l सी, सी स्क्वायर हमने कॉमन निकाला 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ओके। सो सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो 2l अपॉन सी, ओके, ये ऊपर चला गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1। तो फिर से हमने बायनॉर्मल थ्योरम से थ्रू बायनॉर्मल थ्योरम तो वैल्यू विल बी टी टू इज इक्वल टू कितना आ गया, 2l अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू दी पावर 1 था। तो ये इसको हमने बायनॉर्मल थ्योरम से किया तो 2l अपॉन सी माइनस प्लस माइनस हो गया, ये सॉरी ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जाने वाली लाइट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली लाइट के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, दस द डिफरेंस इन टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स जर्नल इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन। सो कितना हो गया, 2l अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 2l अपॉन सी दिस इज अ टी वन वैल्यू, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू 2l अपॉन सी वी स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर, द वैल्यू विल बी एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, दिस इज द डेल्टा टी। सो द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज कितना होगा, दोनों हॉरिजेंटल डायरेक्शन का हमने टाइम निकाला और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का टाइम निकाला, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस डेल्टा टी निकाल लिया, तो दोनों के बीच जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वो कितना होगा। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। सो वेलोसिटी कितनी थी सी और टाइम हो गया डेल्टा टी, सो कितना हो गया सी इंटू एल वी स्क्वायर अपॉन सी क्यू, ओके, डेल्टा इज इक्वल टू, तो वैल्यू विल बी कितना हो गया आपका एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ गया आपका। यदि लैम्डा वेव लेंथ हो, यदि लैम्डा वेव लेंथ हो तो क्या हो जाएगा पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। तो माइकलसन मोरले ने एंड माइकलसन मोरले ने परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू स्टेप, फर्स्टली बाय द सेटिंग जो हमने पहले किया था जो आपको डायग्राम में फर्स्ट दिया, अब इसने क्या किया सेकेंड टाइम पूरे एपरेटस को 90 एंगल से टर्न करा दिया, देन टर्निंग द एपरेटस थ्रू 90 एंगल, When the apparatus was turned through 90 degree, the position of two mirror were changed. दोनों चेंज हो जाएंगे 90 degrees कर देंगे परपेंडिकुलर, एम वन जो है एम टू की जगह आ जाएगा और एम टू नीचे यानी कि निगेटिव डायरेक्शन पे आ जाएगा, वाई डायरेक्शन, वाई नीचे यानी निगेटिव वाई डायरेक्शन में। नाउ द पार्ट डिफरेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो द पार्ट डिफरेंस विल भी कितना हो जाएगा, अब आफ्टर क्या कहते हैं 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, तो पार्ट डिफरेंस बिल्कुल डेल्टा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं आप पूरा, तो एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा, तो रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस कितना जाएगा, रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस विल बी, रिजल्टेंट पार्ट डिफरेंस कितना जाएगा एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा माइनस, माइनस आया ही था पहले उसको करेंगे एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा, तो टोटल भी हो जाएगी 2 एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा। वी नो दैट ए चेंज इन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस लैम्डा कोरस्पॉन्ड टू ए शिफ्ट ऑफ वन फ्रिंज एंड हेंस द पार्ट डिफरेंस 2 एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा, तो टोटल जो पार्ट आ रहा है चेंज
कितना डेल्टा एन का फ्रिंज शिफ्ट हो रही है, 2 LV² अपॉन C² लैम्डा। तो यदि हम डाटा जो माइकलसन मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया वही डाटा इस फॉर्मूले में हम फिट करें तो देखते हैं कितनी आती है। L इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल सेटअप 1 × 10³ सेंटीमीटर, लैम्डा विल बी 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर एंड V इज इक्वल टू 3 × 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड C इज इक्वल टू एवरीबडी नो 3 × 10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेन वी पुटिंग द ऑल द वैल्यू इन इक्वेशन अबव इक्वेशन फॉर डेल्टा एन, तो डेल्टा एन विल बी 0.4 फ्रिंज, इतनी वैल्यू आती है। दस ए शिफ्ट ऑफ लेस देन हाफ ए फ्रिंज वॉज ओनली एक्सपेक्टेड, तो ये एक हाफ फ्रिंज से भी कम फ्रिंज एक्सपेक्टेड थी। देन माइकलसन एंड मोरले कुड ऑब्जर्व ए शिफ्ट ऑफ अबाउट 0.01 ऑफ फ्रिंज, ऑफकोर्स दिस शिफ्ट इज विद इन द लिमिट ऑफ द एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो दे रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ ऑन द सर्फेस एंड डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर बट दे कुड नॉट डिटेक्ट द मेजरेबल शिफ्ट, सो इट वॉज ए नल रिजल्ट। सो दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन द सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर इन द यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, दिस इज द नेगेटिव रिजल्ट। तो जो ये 0.4 फ्रिंज शिफ्ट दिखा रहा है वो भी प्रैक्टिकल के बाद वो 4 फ्रिंज शिफ्ट नहीं दिखाई दी। तो द नेगेटिव रिजल्ट सजेस्ट दैट कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द ईथर और द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन नॉट बी चेक बाय द एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अवर एक्सपेरिमेंट।